हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनटीपी फिल्मी नवासुद्दीन सिद्दीकी वाइफ आलिया सिद्दीकी ट्राइज इन अ वीडियो शी शेयर्स एन वीडियो यूजर्स एक्टर ट्राइंग टू स्टील हर किड्स। नवासुद्दीन सिद्दीकी वाइफ आलिया हैज फाइल्ड ए रेप कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्टर एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ ट्राइंग टू स्टील हर किड्स इन अ न्यू वीडियो। शी गेव ए शॉकिंग डिटेल्स अबाउट हर हस्बैंड नवासुद्दीन सिद्दीकी। आलिया सिद्दीकी रिवील्ड ए नवासुद्दीन सिद्दीकी फाइल्ड ए कंप्लेंट दैट हर कस्टडी शुड बी गिवन टू नवाज। नवासुद्दीन वाइफ आलिया सिद्दीकी से शॉकिंग डिटेल्स एंड शी इज टोटली डिवास्टेटेड। शी रोल्स हर टीयर्स। शी सेज दैट फ्रॉम ए स्मॉल इन्फेंट टू ग्रोइंग किड्स डिड नॉट सी नॉट फील द किड्स नाउ ही वांटेड टू ग्रैब देयर किड्स। शी सेज दैट बाय हिज पावर एंड मनी ही वांट टू टेक द कस्टडी ऑफ देयर किड्स। नवासुद्दीन वाइफ आलिया सिद्दीकी She gave her statement in the video. Nawazuddin Siddiqui never can care for the kids when they have grown. He wanted their children. He wanted to grab the children from his wife. Says that the total life she have given to her kids and for her family. That the kids also will not live without her. She only want that she should be taken. Custody should be in her side. Says that in the power of money and power and strength won't take the custody of their kids. Says to the people see the dark side of Nawazuddin Siddiqui. Take a look at the video where Nawazuddin Siddiqui wife Siddiqui cries and rolls down a tear sharing a video. Actor Nawaz trying to steal her kids. Take a look at the video. Please watch my channel. Like, share and subscribe my channel. So Nawaz ne kal actually court mein ek केस डाला हुआ है जिसमें उनका कहना है कि ये बच्चे उनको चाहिए, ये कस्टडी बच्चों की वो ये चाहते हैं, बच्चों की कस्टडी वो चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोग से ये जानना चाहती हूँ, जिस शख्स ने कभी बच्चों को महसूस ही नहीं किया, ना पेट में महसूस किया, ना पेट में होने के बाद महसूस किया, ना बड़े होने तक, उसको पता ही नहीं डायपर कितने का आता है, डायपर पहनाते कैसे, जिस उसको ये नहीं पता चला बच्चे कैसे बड़े हो गए, 12 साल के कैसे हो गए, कौन से बच्चों का कपड़ा कब किस एज में चेंज होता है, उसको कुछ नहीं पता। वो बच्चे मुझसे छीन के आज अपने पावर से दिखाना चाहते कि वो बहुत अच्छा बाप है। अच्छा बाप है, बुजदिल बाप है कि एक माँ से उसका बच्चा छीन रहा है, उसकी माँ से एक बच्चा छीन रहा है, अपने पावर से यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता सबसे बड़ा पावर से उस ब्रह्मांड में चल रहा है ऊपर। अपने पैसे से तुम कितने लोग को भी खरीद लो, कितने लोग को खरीद लो, मेरे बच्चे नहीं छीन सकते, कभी नहीं छीन सकते। तुमने मुझे पत्नी नहीं माना, तुमने सबके सामने अपना ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा अपना पति माना, हर डॉक्यूमेंट से लेकर हर चीज़ में मैंने पति माना। और मैं धोखे में रही कि तुमने मुझे पत्नी माना है, इस चीज़ को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं ये जख्म कभी भरेगा क्योंकि मेरे जवानी के दिन से लेकर आज मैं 40 ईयर्स की हो रही हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती लाइफ के टाइम मैंने तुम्हें दी, और उसके बाद तो मेरे बच्चे छीनने की बात करो, मेरे बच्चे ले जाओ मुझसे, तो मेरे पास एक एक पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियली इतनी लॉस चल रही है, ना मेरे पास पहले भी नहीं था अभी भी नहीं। इस शख्स ने मुझे हमेशा पर मैंने कभी नहीं इस चीज़ को बोला कि मैं फाइनेंशियली इसमें हूँ, बट अब मैं बता रही हूँ कि मेरे हर तरफ से इसने मुझे कमजोर करके रखा हुआ, बट अब मेरे पीछे छीनने की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि यार ये आदमी इतना गिर चुका है अपने पावर के और अपनी फेम के चक्कर में, ना बौखला आ गया, इसको पता ही नहीं कि माँ से बच्चा छीन रहा है, जिसने अपने बच्चों को सीने का, आज भी मेरे दोनों यहाँ अच्छी पक्की सोते मेरे गले में, और ये मुझसे बच्चे छीनेगा, उससे बच्चे छीन के कहाँ रखेगा, मेरे बच्चे क्या रह लेंगे इसके साथ। एक बच्चे को तो पता भी नहीं कि बाप क्या होता है, जिसने प्यार एहसास ही नहीं दिया, कभी अपने बेटे को कभी गले से नहीं लगाया, सिर्फ एक ही बच्ची दिखती है इसको, एक ही बच्ची, वो भी बड़े होने के बाद, उसके पहले तो कभी नहीं दिखते थे। तो मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि ये फैसले मेरे हक पे आएंगे, और आप सबसे मैं इतनी दरख्वास्त करती हूँ कि बस आप इस आदमी की डार्क साइड की लाइफ देखो।